हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन फॉर द टैली प्राइम लेक्चर्स। आज कौन सा टॉपिक सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखने वाले इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। ओके, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस में कैसा है? आवाज़ आ रहा है? मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? आवाज़ आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? यस। ओके ओके, थैंक यू। ओके, सो टुडे आज हम लोग सीखने वाले इंटरेस्ट कैलकुलेशन इन टैली प्राइम, इंटरेस्ट ऑन लोन्स असेट्स आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स। सो मैक्सिमम फर्स्ट मॉड्यूल कवर करते हैं हम लोग, दैट इज इंटरेस्ट कैलकुलेशंस एंड इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स। सो गो टू द पेज नंबर 59। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Interest calculation in Teleprime. Teleprime allow users to obtain reports on interest calculated on the basis of parameter defined by the user. That is closing balance amounts. यानी closing balance amount यानी कौन सा भी ledger रहेगा उसका closing balance क्या है उसके ऊपर depend है। Otherwise outstanding sales and purchase invoice, receivable, payable. यानी मुझे कुछ bills आने वाला है लेकिन वो bills payment on time नहीं कर रहा है, तो on time payment नहीं कर रहा है तो हम लोग उसको इंटरेस्ट लगा रहे हैं या हम लोग कुछ पे कर रहे हैं लेकिन आगे वाला कस्टमर क्या लगा रहा है, हम लोग लेट पेमेंट की वजह से उसको इंटरेस्ट लगा रहे हैं। तो सच अ काइंड ऑफ एंट्रीज वी कैन पास, दैट इज इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। इन द फॉलोइंग केस वी विल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द एम्प्लॉय, द लोन विल बी रिकवर बाय डिडक्टिंग। सो फर्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस असेट्स। यानी क्या है, जस्ट एग्जाम्पल लिए मिस्टर उदारचंद। उदारचंद क्या है, उसने कितने का लोन लिया? 4000 का लोन लिया। हिज सैलरी पर मंथ इज 6000। कितना है? 6000 का सैलरी है। 2000 विल बी डिडक्टेड इन फर्स्ट मंथ, यानी फर्स्ट मंथ में कितना डिडक्ट हो जाएगा? 2000, एंड रिमेनिंग 2000 प्लस इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड इन सेकेंड। यानी क्या हो जाएगा, जब 4000 का लोन लेता है तो इंटरेस्ट लगेगा लेकिन पहले मंथ में इंटरेस्ट नहीं कट कर रहा है, ओनली 2000 अमाउंट कट कर रहा है, और सेकेंड मंथ में 2000 अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों कट कर रहा है। द इंटरेस्ट पर मंथ वॉज 10% ऑफ एवरी कैलेंडर मंथ, हर कैलेंडर मंथ में कितना इंटरेस्ट है? 10%। और डेबिट नोट विल बी यूज टू पोस्ट द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड इन अमाउंट। सो हम लोग क्या करेंगे, लॉग इन टू क्रिएट अ डेबिट नोट फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। सो लेट स्टार्ट क्रिएटिंग कंपनी। सो ग्रीन लॉन क्लब बोल के कंपनी है, सो दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट। सो लेट्स गो फॉर द टैली, कंट्रोल F3। पहले वाला कंपनी बंद करता हूँ मैं। ओके, नाउ आई गो फॉर द क्रिएट कंपनी। ओके, दैट इज ग्रीन लॉन क्लब, बराबर, ग्रीन लॉन क्लब, और या कंट्रोल F7। सो वी क्रिएटेड कंपनी विद द फीचर्स। आपको क्या करना है, शो ऑल फीचर्स एस करना है, शो मोर फीचर्स है, शो और फीचर्स को एस करना है आपको। ओके, सो यहाँ पे देखो इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशंस को आपको एस करना। सो हम लोग क्या करें, बैकस्पेस, शो ऑल फीचर्स को एस करेंगे। ओके, एस देन शो ऑल फीचर्स, उसको भी हम लोग एस करेंगे। तो यहाँ पे देखो इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशंस बोल के फीचर है, क्या रहा है, इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। ओके, सो उसको क्या करना, आपको एस करना। ओके, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एस करने के बाद अकाउंट्स ओनली बिल वाइज एंट्री दोनों एस है। मेंटेन इन्वेंट्री, यानी इन्वेंट्री को क्या करना, हम लोग को अकाउंटिंग टैक्सेशन को नो रखना है और इन्वेंट्री को भी आपको नो ही रखना है। सो हम लोग इसको नो कर दें और कंट्रोल, इसको भी क्या करना, टैक्सेशन को भी नो कर दें, कंट्रोल एक्सेप्ट। सो वी एक्सेप्ट द एंट्री। नाउ यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है, लोन अकाउंट उदारचंद, यानी आपको लोन अकाउंट उदारचंद। अभी लोन हम लोग दे रहे हैं तो इसके लिए वो कहाँ पे जा रहा है, लोन एंड एडवांसेस असेट साइड में जा रहा है। ओके, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस। सो व्हाट वी आर क्रिएटेड लेजर्स, सो यहाँ पे मैं मास्टर्स में क्रिएट लेजर्स, लेजर में जाने के बाद क्या लेजर का नाम है, लोन अकाउंट उदारचंद। सो लोन अकाउंट उदारचंद, अंडर क्या आएगा, लोन अकाउंट उदारचंद आपका लोन्स एंड एडवांसेस। सो वी आर टेकिंग अंडर लोन्स एंड एडवांसेस, दैट इज असेट्स। ओके, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यस। ओके, अभी एस करने के बाद यहाँ पे देखो पूछ रहा है
क्या रेट देना है आपको, 10% पर कैलेंडर मंथ। तो आपको यहाँ पे कितना रेट देना है, 10% पर कैलेंडर मंथ, यानी एवरी मंथ इट इज 10%। सो यहाँ पे 10% ऑन ऑल बैलेंस, क्या देना है आपको, ऑन ऑल बैलेंसेस, यानी हम लोग क्या करें, उसमें 4,000 रहेगा तो 4,000 के ऊपर इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद 2,000 रहेगा तो 2,000, यानी 2,000 कट होने के बाद 2,000 बचेगा, उसके ऊपर आपको 2,000 का इंटरेस्ट आएगा। सो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट ओयर, सो हम लोग लोन अकाउंट उदयचंद लोन एंड एडवांसेस में एक्सेप्ट कर दें। नाउ वी आर क्रिएटेड अ सैलरी अकाउंट उदयचंद, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, इनडायरेक्ट इनकम, कमीशन रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पे देखो सैलरी अकाउंट उदयचंद अंडर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके कंट्रोल एक्सेल, देन आपका क्या है, आपका इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, अंडर क्या आपका इनकम आएगा, सो इनडायरेक्ट इनकम, ओके सो इनडायरेक्ट इनकम एंड कमीशन रिसीव्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम, अंडर इनडायरेक्ट। सो यहाँ पे देखो हम लोग एक नया वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे, जैसा जिसने हम लोगों ने ऑलरेडी बोला था डेबिट नोट क्रिएट करेंगे। सो डेबिट नोट यूज करके हम लोग एक नया वाउचर क्रिएट कर रहे हैं, वाउचर का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। सो हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए क्या किया है, एक वाउचर क्रिएट किया इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, नेम ऑफ क्लॉज क्लास दिया इंटरेस्ट ऑन लोन। सो यहाँ पे देखो एस्केप देता हूँ, वाउचर टाइप में जाता हूँ और यहाँ पे वाउचर का नाम देना आपको कौन सा देना है, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। सो आई गिव इट एज अ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, सिलेक्ट वाउचर टाइप दैट इज डेबिट नोट लेना हम लोग को। सो यहाँ पे हम लोग किसके अंडर बना रहे हैं उसको, डेबिट नोट, ओके। सो यहाँ पे देखो नेम ऑफ क्लास लेना, बाकी सब चीज़ एज इट इज एक्सेप्ट करो, ओके। नेम ऑफ क्लास देना आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन एंटर, और यहाँ पे देखो पूरा डिटेल्स आएगा। अब इसमें हम लोग को डिफॉल्ट लेजर सेलेक्ट करना है, ओके। सो यहाँ पे यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस। सो यहाँ पे करना यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस। नाउ कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड, हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट, व्हाट इज कंपाउंड, व्हाट इज सिंपल, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू टेक ओनली सिंपल वाउचर एंट्री, देन इसको कंट्रोल ए करता हूँ मैं, एक्सेप्ट करता हूँ, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। सो यहाँ पे वाउचर को आपको एक्सेप्ट करना है। नाउ कमीशन रिसीव 20,000 इन कैश, सो हम लोग को कैश रिसीव्ड हो रहा है इन टर्म्स फ्रॉम द कमीशन। सो एस्केप देता हूँ मैं, वाउचर में जाता हूँ, कमीशन रिसीव्ड तो मुझे F6 रिसीट का एंट्री मारना है, ओके कैश में आ रहा है मुझे, और कैश व्हाट कम्स इन, इनकम में कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹20,000, ओके कंट्रोल ए एक्सेप्ट। यहाँ पे रिसीव्ड हो गया तो कैश में आपका ₹20,000 आ गया। नाउ लोन गिवन टू मिस्टर उदयचंद ऑफ ₹4,000 इन कैश, मैं कह रहा हूँ कैश में मिस्टर उदयचंद को 4,000 का लोन दे रहा हूँ। सो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, सो यहाँ पे मैं पेमेंट का एंट्री मारता हूँ, ओके कैश थ्रू दे रहा हूँ, ओके और यहाँ पे पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, लोन अकाउंट उदयचंद, क्या आएगा लोन अकाउंट टू उदयचंद। सो यहाँ पे देखो लोन अकाउंट उदयचंद हाउ मच अमाउंट, दैट इज 4,000। नरेशन आएगा आपका बींग लोन गिवन टू उदयचंद, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने लोन अकाउंट टू उदयचंद में 4,000 रुपये ऑन विच डेट दिया, 1 अप्रैल 2021 को मैंने लोन अकाउंट टू उदयचंद में 4,000 रुपये दिया। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4,000 का लोन आई हैव गिवन टू मिस्टर उदयचंद। नाउ इंटरेस्ट रिसीवेबल, नाउ हम लोग को क्या देखना है उसके ऊपर का इंटरेस्ट, यानी मैं अगर 1 मई को जा रहा हूँ तो ये 4,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट हो गया, दैट वी हैव टू सी की। सो उसके लिए क्या देखना आपको, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल देखना। सो हम लोग एस्केप देता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशंस में इंटरेस्ट रिसीवेबल देखना। अभी मुझे क्या करना है, 1 अप्रैल पे रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि मेरा उसी दिन का तो मंथ होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे डेट पीरियड बोलता हूँ और पीरियड 1 अप्रैल टू 1 मई इंसर्ट करता हूँ। सो यहाँ पे देखो
ऑल्ट एफ वन डिटेल्स में देता हूँ। तो लोन्स एंड एडवांसेस में क्या आ रहा है, 4000 का लोन दिया, उसमें मुझे 4000 का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया गया। ओके, दैट इज 10% ऑन योर 4000 रुपीज। सो देखो, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड 4400, लेजर अकाउंट उधार चंद। नाउ हम लोग को देखो ये क्या करना है, अभी 400 रुपीज आई हैव टू ट्रांसफर टू इंटरेस्ट अकाउंट। नाउ हम लोग को क्या करना है, पोस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट में यूजिंग ऑटोमेटेड वाउचर क्लास। तो हम लोग को ये जो 400 रुपीज है हाउ टू ट्रांसफर टू विच अकाउंट, दैट इज लोन अकाउंट टू उदारचंद, क्योंकि उसका 4000 रुपए बैलेंस था, आई हैव टू टेकन इट एज अ 4400 पेंडिंग। बरे ना, पहले 4000 रुपए दिया था, 400 रुपए इंटरेस्ट था, तो अभी फर्स्ट में को कितना अमाउंट हो जाएगा उसका, 4400। सो आई वांट टू ट्रांसफर दैट अमाउंट टू लोन अकाउंट टू उदारचंद, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन में से 400 रुपीज वहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। सो टू ट्रांसफर दैट वी आर गोइंग टू टेक, कौन सा वाउचर लेने वाले हम लोग, पेमेंट में यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, डेबिट नोट, डेबिट नोट हम लोग क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे देखो मैं पेमेंट में एस्केप देता हूँ, फिर से हम लोग वाउचर्स में वाउचर एंट्री में जाएंगे, पेमेंट में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अल्ट एफ फाइव इज द शॉर्टकट फॉर डेबिट नोट। सो यहाँ पे डेबिट नोट लेता हूँ, डेबिट नोट में हम लोग को क्या लेना है, हम लोगों ने नया वाउचर बनाया था, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लेना है आपको, डेबिट में लोन अकाउंट टू उदारचंद, सो उसमें हम लोग का अमाउंट कितना जा रहा है, 400 रुपीज। तो यहाँ पे देखो 4000 रुपीज था, अभी हम लोग को डेट चेंज करो F2 करके, फर्स्ट ऑफ ऑल 1/5 फर्स्ट में, यानी हम लोग फर्स्ट में को 400 रुपया लोन अकाउंट को उदारचंद में ट्रांसफर करें। देखो 400 तो लोन अकाउंट उदारचंद का बैलेंस हो गया 4400 एज ऑन फर्स्ट मे। सो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन कितना हो गया, 400 रुपीज। सो इस तरीके से हम लोगों ने लोन अकाउंट उदारचंद के लोन अकाउंट में 4400 रुपया डेबिट बैलेंस कर दिया। नाउ फर्स्ट मे को मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ, तो उदारचंद ने क्या बोला, पहला पेमेंट में मैं 2000 रुपया कम कर दो मेरे इसमें से। स्टार्टिंग में उसने क्या बताया था, आई विल पे 2000 ऑन फर्स्ट मंथ एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इन सेकेंड मंथ। सो हम लोग को अभी सैलरी इशू करना है 6000 उसको, तो सैलरी में उसको क्या जाएगा, सैलरी उसका 6000 जाएगा, लेकिन लोन अकाउंट टू उदारचंद में से 2000 कट हो जाएगा और कैश हम लोग रिमेनिंग 4000 दे देंगे। सो लेट्स मेक अ पेमेंट का एंट्री। सो कंट्रोल इसको एक्सेप्ट करता हूँ मैं। पेमेंट के लिए क्या करते हैं, F5 पेमेंट करना है हम लोग। देखो यहाँ पे सिंगल मोड वाउचर एंट्री करते हैं टू ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, डबल एंट्री करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे देखो डेबिट में क्या आ रहा है, सैलरी, दैट इज एक्सपेंसेस आ रहा है। सो सैलरी अकाउंट टू उदारचंद, टोटल अमाउंट कितना दे रहे हैं हम लोग उसको, 6000 रुपये दे रहे हैं। ओके, नाउ क्रेडिट में क्या आ जाएगा, पहला आपका क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका लोन अकाउंट टू उदारचंद, जिसमें हम लोगों ने 4400 ट्रांसफर किया। सो यहाँ पे देखो 4400, तो यहाँ पे 6000 कम करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे कितना कम कर रहे हैं उसको, 2000 रुपीज लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2000 रुपीज लेस कर रहे हैं। सो यहाँ पे आई विल प्लेस 2000, सो रिमेनिंग बैलेंस हो गया देखो 2400, यानी 4000 रुपीज में से 2000 रुपीज कम हो गया, दैट इज 4000 में 2400 भेजा, क्रेडिट वॉट गोज आउट, बाकी पैसा हम लोग कैश में दे रहे हैं। तो 6000 रुपये जो देना था उसमें से 2000 एज इंटरेस्ट लोन में से कट कर दिया और 4000 रुपये ऐड कर दिया, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं उसका एक्सेप्ट करते हैं पेमेंट का एंट्री। नाउ नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल, सॉरी मई, अभी जून में एंट्री जाना है, किधर जाना है, जून, दैट इज पोस्ट इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट जून यूजिंग ऑटोमेटेड वाउचर क्लास। सो यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट लेना है आपको, ये 240, अभी 240 रुपीज़ कैसा आ गया। ओके, सो यहाँ पे देखो फिर से क्या करता हूँ मैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में इंटरेस्ट कैलकुलेशंस रिसीवेबल, और यहाँ पे देखो अभी फर्स्ट में को नहीं दिख रहा है बिकॉज आई ट्रांसफर दैट अमाउंट। हम लोग क्या करते हैं, पीरियड चेंज करते हैं फर्स्ट में टू फर्स्ट जुलाई। सो यहाँ पे देखो कितना अमाउंट आ गया, 240। 240 कैसा आया कोई बता सकता है, 240 यानी देखो, यानी 4400 रुपीज़ था उसमें से 2000 रुपये कट हो गया, तो उसका अमाउंट कितना बचा, 2400 का लोन बचा, तो 2400 के ऊपर 10%, दैट इज 240 रुपीज़ आ गया।
ओके सो हम लोग जब अभी टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, सो हम लोग को 2400 में 240 रुपीज़ ऐड करना पड़ा ऐड करना पड़ेगा. सो वॉट वी आर गोइंग टू डू, अगेन हम लोग डेबिट नोट का वाउचर एंट्री मारेंगे और डेबिट नोट में क्या करेंगे, ये 240 रुपीज़ ऐड कर देंगे, तो 2400 में से 2640 हो जाएगा. सो गो टू द वाउचर्स अगेन. ओके देन अगेन मैं क्या करता हूँ, पेमेंट में डेबिट नोट का एंट्री करेंगे. ओके सो डेबिट नोट में क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट लोन अकाउंट उदर्शन 240 रुपीज़. तो यहाँ पे टोटल बैलेंस हो जाएगा आपका 2640. ओके सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 240, और यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन. सो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन यहाँ पे क्या आएगा, 240 रुपीज़ डेबिट हो जाएगा. ओके सो यहाँ पे 640 अमाउंट आ जाएगा, उसको एक्सेप्ट करेंगे. सॉरी यहाँ पे देखो ये एंट्री आपको 1 जून को करना है, इसके लिए बैलेंस नहीं आ रहा है 1/6. सो यहाँ पे बैलेंस हो गया 2640 240, और यहाँ पे 640 अमाउंट आ गया, और यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, दैट इज ऑन द 1 जून. कब आ गया, 1 जून. सो यहाँ पे हम लोगों ने अमाउंट का ट्रांसफर किया तो आपको 2640. फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं, लोन अभी जब हम लोग पेमेंट करें उसको सैलरी ऑन 1 जून, तो सैलरी 1 जून जब पे करेंगे तो लोन अकाउंट में से आपको पूरा का पूरा अमाउंट डिडक्ट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से पेमेंट का एंट्री करता हूँ. ओके डेबिट वॉट एक्सपेंसेस दैट इज सैलरी अकाउंट टू उदर्शन, कितना सैलरी पे कर रहे हम लोग, 6000. तो 6000 सैलरी पे करना है, उसमें से क्या डिडक्ट कर रहे हम लोग, लोन अकाउंट टू उदर्शन. तो लोन अकाउंट टू उदर्शन में से क्या हो रहा है, 2640 हम लोग डिडक्ट करके ले रहे हैं. यहाँ पे देखो लोन अकाउंट टू उदर्शन का बैलेंस टोटली नील हो गया, एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट कैश, जो रिमेनिंग बचा है वो हम लोग कैश. तो 1 जून को उसको सैलरी कितना मिला, 3360. बाई डिडक्टिंग 2000 इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड 640 वॉज द इंटरेस्ट, उसमें से 400 इंटरेस्ट फर्स्ट मंथ का था एंड 240 रुपीज इंटरेस्ट सेकेंड मंथ का था. सो इसको इंटर करता हूँ और उसका सैलरी पे करता हूँ. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन फॉर दी आपके जो भी सैलरी हम लोग देते समय जो भी पेंडिंग सैलरीज में से कैलकुलेट करके माइनस कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन कैलकुलेटेड. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क.